लाहौर से खबर शामिल करते हैं, जहां पर एडिटर अखबार सियालकोट, एडिटर रोजनामा सुनो न्यूज़, डायरेक्टर नेशनल न्यूज़नामा डॉक्टर सौदागर फ्रांसिस के एजाज में पाकिस्तान क्रिश्चियन न्यूज़ के कोऑर्डिनेटर सहेल यूसुफ की जानिब से इशाया का अहतमाम किया गया। तफसीलात के मुताबिक डॉक्टर फ्रांसिस सौदागर ने 1994 में सहाफ़ती सफ़र का आगाज किया और आज इनकी सहाफ़ती खिदमात के 27 साल मुकम्मल होने पर उनके एजाज में इशाया दिया गया। पाक क्रिश्चियन न्यूज़ के कोऑर्डिनेटर सहेल यूसुफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें ऐसे लोगों पर फख्र हासिल होना चाहिए जो अमली तौर पर अपनी खिदमात में पेश रहते हैं। डॉक्टर फ्रांसिस सौदागर की 27 साल सहाफ़ती खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हैं और दुआगो हैं कि खुदावन ताला उन्हें और ज़्यादा हिम्मत और जुरत अदा करे ताकि वह अपनी कौम के मसाइल को उजागर करते रहें। जबरी तब्दीली मजहब और नौ उम्र बच्चियों से जबरी नगाह तो ही मजहब अकलीतों से नाइंसाफ़ी जैसे वाक़ात को जिस जरूरतमंदी से डॉक्टर फ्रांसिस सौदागर ने नुमाया किया है इसकी मिसाल नहीं मिलती। इस मौके पर चीफ एडिटर अखबार सियालकोट जावेद गुल ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि डॉक्टर फ्रांसिस सौदागर ने अपने सहाफती सफर के आगाज में धूप छाँव गर्मी सर्दी और वसाइल की परवाह किए बगैर जिस तरह अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया वो तारीख के सुनहरी हरूफ में शामिल होता है। मुश्किल की चक्की में पिसकर अखबार सनत में आगे रही इनकी खिदमात काबिल तारीफ है। इस मौका पर डॉक्टर फ्रांसिस सौदागर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो लोग वक्त की कदर करना जानते हैं वक्त उनकी कदर करता है। इसमें कोई शक नहीं कि बेशुमार मसाइल आड़े आने के बावजूद हमने अपने भाई जावेद गुल के शाना बशाना और कदम से कदम मिलाकर अकलियतों के बुनियादी मसाइल को उजागर किया जिसके लिए मसीही अदारे और अकलीती बरदरी मुतरफ है। सहेल यूसुफ एक जिंदा दिल इंसान है, उनके मशकूर है कि उन्होंने हमारे एजाज में तकरीब का अहतमाम करके अपने बड़प्पन का मुजाहरा किया है। इस मौका पर काशिफ नवाब, ताहिर विक्की, अजहर सईद और अलीम सुबह भी मौजूद थे।